हाय गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 2 और आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन बेबी जॉनसन पाउडर से और फूलों के मिश्रण से बहुत ही बेहतरीन क्रीम बनाने जा रही हूँ। और यदि मेरा ये क्रीम बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं और आपको बताते हैं इस पे क्या क्या लगता है। गाइस, सबसे पहले तो एलोवेरा, ये एलोवेरा मैं फ्रेश अपने बागीचे से तोड़ के लाई हूँ। और अगर आपके पास रेडीमेड एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, पर ये एलोवेरा आप अगर यूज करेंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। गाइस, दूसरा हम लेंगे गुलाब की पत्ती, तीसरा हम लेंगे गेंदे की पत्ती, जो कि मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है और इसकी पत्तियां अलग अलग कर ली है। और गाइस, फिर हम लेंगे हल्दी पाउडर, फिर इस पे हम लेंगे जायफल पाउडर जो थोड़ा सा ही यूज करना है, और बेबी जॉनसन्स पाउडर जो कि बहुत ही अहम है, इसमें कोई कास्टिक नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं होता है, ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और आपको इसमें चाहिए बेबी जॉनसन्स ऑयल, ये इसमें भी कोई केमिकल नहीं रहता क्योंकि ये बच्चों का है और ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और सबसे अहम चीज ये है हनी, जो चेहरे को डीपली जा करके स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। तो चलते हैं इसको कैसे बनाते हैं, आइए बताते हैं। हमें पहले ये दोनों चीजों को पीस लेना है। ओके, पीसती हूं मैं। सो गाइस, मुझे बनाना है थोड़ा, तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये गुलाब का है और ये गेंदे का है, जो मैंने दोनों को पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं इस बाउल में ये हनी ऐड कर रही हूँ और इसमें मुझे थोड़ा ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, आप लोग को सिर्फ बताना है। ये बेबी जॉनसन्स पाउडर ऐड कर रही हूँ गाइस, और गाइस इसमें बेबी जॉनसन्स ऑयल यूज कर रही हूँ जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये गुलाब जो मैंने पेस्ट बनाया है, और फिर इसमें डालूंगी गेंदे का पेस्ट, सॉरी। अब इसमें हमें जरा सा हल्दी चाहिए, बिल्कुल जरा सा गाइस, मात्र इतना। और इसमें जो ये हल्दी जो है हमारे चेहरे को निखारता है, और ये जो है ये जायफल है इसको भी गाइस थोड़ा लेना है, इतना, क्योंकि मैं थोड़ी क्रीम बना रही हूँ, इससे मुझे इतना लेना है गाइस। और इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी। यूज करने वाली हूँ एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा। बहुत ही चिपकता है। गाइज, इसको तब तक मेल्ट करना है जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, और
ये चेहरे के लिए बहुत ही बिंदास क्रीम होने वाली है। गाइस देखिए मेरा कुछ इस तरह पेस्ट तैयार हो गया है, सॉरी क्रीम तैयार हो गई है। कुछ इतनी थिक रखनी है गाइस, और गेंदे का फूल जो है चेहरे को लाइट बनाता है, चमकीला जिसे कहते हैं। गाइस अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, और इसको मात्र 4 दिन या 5 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ते आप स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको फ्रिज में लगा दीजिएगा। ये देखिए गाइस, आप इसको मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं और नाइट में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, चेहरा आपका बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। गाइस इसको रात में लगा करके आप लेटेंगे ना तो और भी अच्छा होगा, 2 घंटे भी लगा लेंगे ना चल जाएगा। और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। देखिए गाइस आप देख सकते हैं दोनों हाथों में। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। ओके बाय बाय।